I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. दादी श्री मेरा बर्बरीक, मेरा पुत्र। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। कहां से आ रहा है पुत्र? दादी श्री, गुरु से शिक्षा लेकर आ रहा हूं और हस्तिनापुर जा रहा हूं। सुना है वहां महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं। पता नहीं, महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं या महाविनाश की। महाविनाश? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी श्री? युद्ध दो ऐसे पक्षों में होता है जो एक दूसरे से अनजान हो, भिन्न हो। जब परिवार के आपस के सदस्य ही लड़ने लगे तो युद्ध नहीं होता, महाविनाश होता है। कुछ भी हो दादी मां, पर इस युद्ध में एक और मेरा अपना कुटुंब है, मेरा अपना वंश है और उसका साथ देना मेरा दायित्व है। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं जी उठी। परिवार पर संकट आए तो परिवार की एकता ही उसे बचा सकती है। संकट में कुटुंब के सारे सदस्यों को एक साथ ही रहना चाहिए। दादी श्री, इस परिवार की सदस्य तो आप भी हैं, तो आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं? पुत्र, मैंने तुम्हारे दादाश्री को वचन दिया था कि उनसे विवाह के पश्चात मैं उनके कुटुंब या भवन में प्रवेश नहीं करूंगी। दादी श्री, तो क्या वचन संबंध और नातों से भी बड़ा होता है? हाँ पुत्र, वचन प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है। वचन का पालन धर्म का पालन होता है। अब तो जा, नहीं तो हस्तिनापुर पहुंचते पहुंचते तुझे बहुत रात हो जाएगी। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी श्री। मेरा आशीर्वाद तो हर पल हर युग तेरे साथ है मेरे पुत्र। दादाश्री के लिए कोई संदेश हो तो मुझे दीजिए ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा और किसी को इसकी भनक भी नहीं होगी। चल नटखट, दादी मां से टिटोली करता है। जा। ठीक है, तो जो मेरी समझ में आएगा उसे आपका संदेश बताकर मैं दादाश्री को दे दूंगा। प्रणाम दादी श्री। आयुष्मान भव। विजय भव। माताश्री, ये वो कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां युद्ध आरंभ होने वाला है। इस ओर हमारी सेना होगी और उस ओर क्रू सेना। भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। आओ अनुज सहदेव, कहो क्या समाचार लाए हो? समाचार क्या होगा भ्राताश्री, कौरों की गज और अश्व सेना युद्ध का भरसक अभ्यास कर रही है। दुर्योधन और दुशासन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अनुज, युद्ध गज और अश्व नहीं क्या करते,
उन पर सवार योद्धा क्या करते हैं? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, शस्त्र धारण करने वाले हाथों में होती है। तो इसकी भी उनके पास क्या कमी है? केशव नारायणी सेना मिलने के पश्चात उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। नकुल, युद्ध का निर्णय संख्या नहीं करती, साहस करता है अनुज, साहस। और ये ना भूलो कि साहस का जन्मदाता सत्य होता है, और सत्य हमारे साथ है, वासुदेव कृष्ण हमारे साथ है। ये सब ठीक है अर्जुन, किंतु युद्ध में शत्रु की शक्ति को कम समझना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी ना भूलो कि उनके साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा है। ये सब के सब महारथी हैं और अजय हैं। सामने कौन है उसके विषय में चिंता करना व्यर्थ है मजले भैया। ये युद्ध हम नहीं करना चाहते थे, ये युद्ध तो हम पर थोप दिया गया है। महाराज की जय हो। वीर कुटोत्कच के पुत्र कुमार बरब्रीक आपसे मिलने आए हैं। बरब्रीक, मेरा पौत्र? प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव पौत्र, अच्छा हुआ तुम आ गए पौत्र। कुछ दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तो मैं आया दादाश्री। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी माताश्री कैसी हैं? वो सब तो कुशल मंगल से हैं। और अगर आप पड़ोसियों की और वन में पशु पक्षियों की कुशलता जानना चाहते हैं तो वो सभी सकुशल हैं। बस दादी माँ थोड़ी चिंतित रहती हैं। डिम्बा, उसे किस बात की चिंता है? दादाश्री, उन्हें दिन रात एक ही बात की चिंता खाई जाती है कि पता नहीं हमारे दादाश्री को भर पेट भोजन मिलता भी है नहीं। अच्छा, तो दादाश्री के प्यार ने तुझे इतना नटखट बना दिया है कि दादाश्री के साथ भी उपहास करने लगे। चलो आओ, सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भ्राताश्री, आपका पौत्र, आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव, हम सब तुमको बहुत याद करते हैं। तुम्हारा धनुष तो बहुत अच्छा है पौत्र। दादाश्री, मैं आपका पौत्र हूं और मेरा धनुष आप ही का गांडीव। विजय भवा। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। संकट के समय अधरों पर मुस्कान काली घटाओं में विद्युत की चमक के समान लगती है। आज ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई समारोह होने वाला है। समारोह ही हो रहा है केशव, हमारा पौत्र बरब्रीक आया है। आयुष्मान भाव, पराक्रमी भाव, गुरु विजय ने तुम्हें बहुत शीघ्र अवकाश दे दिया वत्स। मेरी शिक्षा पूरी होगी दादाश्री। शिक्षा पूरी हो गई वत्स? ज्ञान और शिक्षा तो आकाश के समान होती है वत्स। कोई अपने धरातल से कितना ही ऊपर उठ जाए, आकाश फिर भी उतना ही दूर दिखाई देता है। ज्ञान और शिक्षा तो उसकी पूरी होती है जो ये जान ले कि वो कितना अज्ञानी और अशिक्षित रह गया है। मेरा यह तात्पर्य नहीं था दादाश्री। तो फिर क्या तात्पर्य था तुम्हारा? दादाश्री, मैं जिस उद्देश्य के साथ गुरुदेव के पास गया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। और उद्देश्य क्या था तुम्हारा वत्स? अपने गुरु से वाण और सिद्धि मंत्र प्राप्त करना, और आपकी दया से दोनों ही गुरुदेव ने मुझे दो दिन पश्चात ही दे दिए। गुरुदेव ने तीन वाण और सिद्धि मंत्र देकर मुझे धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध भूमि में अजय बना दिया। दादाश्री, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। गुरु की संगत तो सागर के समान होती है वत्स। उसमें जितनी दूर और जितनी गहराई तक उतरो
उतने ही मूल्यवान मोती हाथ आते हैं। तुम्हें अपने गुरु के चरणों में कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। मन तो मेरा भी यही करता था दादाश्री, किंतु जब यह सूचना मिली कि हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां चला आया युद्ध में भाग लेने। हां दादाश्री, इन बाणों की मार और सिद्धि मंत्र के चमत्कार दिखाने का, इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। युद्ध में दोनों ओर से तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं वत्स। अच्छा ये बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। ये सत्य है दादाश्री कि कौरव भी मेरे अपने हैं, मेरे आदर के पात्र हैं, किंतु मैं पांडवों का वंशज हूं, इसलिए मेरा उनके साथ मिलकर युद्ध करना स्वाभाविक है। तो तुम हमारे साथ मिलकर युद्ध करोगे। अवश्य करूंगा, और उस समय तक करूंगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। कैसा आदेश और कैसा वचन वत्स? दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध भूमि में किसी भी शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़ने वाले का साथ दो, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य की ओर ही क्यों ना हो। सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे नहीं है दादाश्री, और ना ही मेरे गुरु ने इस विषय में मेरा कोई मार्गदर्शन किया है। अर्थात तुम बीच धारा में भी नाव बदल सकते हो। दादाश्री, इसका निर्णय तो धारा का प्रवाही करेगा। दूसरे शब्दों में तुम ये कहना चाहते हो वत्स कि यदि युद्ध चलते तुम्हें आभास हो कि कौरव हमारे सामने दुर्बल पड़ रहे हैं, तो तुम अपना वंश छोड़कर उनसे जा मिलोगे। यदि ऐसा हुआ तो मुझे यही करना पड़ेगा दादाश्री। क्या कहा तुमने पुत्र? तुम हमारे शत्रु का साथ दोगे? दादाश्री, यदि वो दुर्बल पड़ने लगे तो यह कैसे हो सकता है? ये तो रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। किंतु गुरु के आदेश और मेरे वचन के बिल्कुल अनुकूल होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इससे कई अच्छा होगा कि तुम युद्ध ना करो। दादाश्री, ये कैसे संभव है? मेरे वंश वाले, मेरे वरिष्ठ प्राण हथेली पर लेकर लड़ रहे हो, और मैं खड़ा चुपचाप देखता रहूं? ये कदापि नहीं हो सकता। मैं आप सबके साथ मिलकर लड़ूंगा। किंतु यदि तुम अपने वान और सिद्धि मंत्र लेकर कौरों से जा मिले तो हमारा क्या होगा पौत्र? दादाश्री, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं वचनबद्ध हूं। क्या कहा पौत्र? गुरु का आदेश, तुम्हारा वचन, ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या गुरु के आदेश और अपने वचन की धुन में अपने कुल का सर्वनाश करना चाहते हो? क्या तुम्हारा गुरु हमसे और हमारे संबंध से भी बड़ा है बरब्रिक? ये तुम क्या कह रहे हो अनुज भीम? आवेश में आकर ये ना भूलो कि गुरु का स्थान संसार में श्रेष्ठ है। गुरु के आदेश का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। याद है ना तुम्हें, द्रुपद से तो कोई हमारी शत्रुता ना थी, फिर भी गुरु के आदेश पर हमें उनसे युद्ध करना ही पड़ा था, और हम उन्हें अपराधियों की भांति बांध कर लाए थे। वो तो ठीक है भ्राताश्री। वो ठीक है तो बर्बरी का कथन भी ठीक है। भाग्य के लेख को मानव की दुर्बल उंगलियां नहीं मिटा सकती अनुज। बर्बरिक अपने गुरु के आदेश और अपने वचन का पालन करने के लिए मुक्त है। बर्बरिक सा विश्व में कोई नहीं बलवान, वंश बचाए या वचन, दुविधा में है प्राण, दुविधा में है प्राण। ये युद्ध आरंभ क्यों नहीं हो रहा? वातावरण इतना शांत क्यों है?
ऐसे शांत वातावरण में तो मेरा दम घुटा जा रहा है मित्र। समुद्र में तूफान आने से पहले समुद्र भी इतना ही शांत हो जाता है मित्र दुर्योधन। इस शांति से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शांति एक भयंकर तूफान के आने से पहले की शांति है। घबराओ नहीं मित्र, युद्ध की ज्वाला को भड़का देने वाली चिंगारी किसी भी पल फूट सकती है। क्या समाचार लाए हो अनुज? भ्राताश्री, समाचार मिला है कि भीम का पौत्र मौर्य पुत्र बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ पहुंचा। क्या सुना तुमने मित्र? क्या पांडवों में युद्ध के कारण इतनी सनसनी फैल गई है कि वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बालकों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं? उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी अनुज? क्या वे युद्ध की वेदी पर नवजात शिशुओं की बलि चढ़ाएंगे जिन्होंने ठीक से अपने जीवन का आरंभ तक नहीं किया? नहीं, नहीं मित्र, महाबली की सौगंध दुर्योधन की लड़ाई पांडवों से है, उनके परिवार के शिशुओं से नहीं। मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक अपना, दूसरा शत्रु का। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा शिशु या युवक नहीं होता, केवल योद्धा होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु आज भी यदि पांडवों का कोई भी सदस्य शीश झुकाकर मेरे समक्ष आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगा। किंतु यदि कोई शत्रु बनकर दुर्योधन के समक्ष आया तो महाबली की सौगंध दुर्योधन उसका सर धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। अनुज, बर्बरिक मेरा भी पौत्र है, किंतु यदि वो कौरवों से युद्ध करने आया तो उसका भी वही परिणाम होगा जो दुर्योधन के समक्ष आने वाले किसी शत्रु का होगा। किंतु भ्राताश्री, बर्बरिक केवल भीमसेन और हिडिंबा का पौत्र ही नहीं, घटोत्कच और मौर्विक का पुत्र भी है, और उनके वंश का एक अंश मायावी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और भ्राताश्री, मैंने ये भी सुना है कि स्वयं बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अनुज, दुर्योधन को उसकी कोई चिंता नहीं। झंझावात या आंधी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु पर्वत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हे माता, तुम्हारे चरणों में जो भी आता है उसे यह पता होता है कि वो तुमसे क्या मांगने आया है, किंतु मैं ही एक ऐसा अभागा पुजारी हूं जो तुम्हारे चरणों में आ तो गया है, किंतु उसे यह मालूम नहीं कि वो तुमसे क्या मांगने आया है। हे मां, तुम ही मुझसे बताओ कि मैं किसकी विजय और किसकी पराजय की कामना करूं। कर्तव्य तो मुझसे यह कहता है कि मैं कौरवों की विजय की कामना करूं, क्योंकि मैं ही उनका महामंत्री भी हूं, किंतु धर्म यह कहता है कि मैं पांडवों की विजय की कामना करूं, और यही मेरी अंतरात्मा की पुकार भी है मां, यही मेरी अंतरात्मा की पुकार भी है। हे माता, दुविधा और विरोधाभास की इस स्थिति में अब तुम ही मुझसे बताओ कि मैं क्या करूं। हे मां, बस इसके सिवा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगता हूं कि तुम दोनों ही पक्षों की रक्षा करो, दोनों ही पक्षों की रक्षा करो, क्योंकि विजय जिसकी भी हो पराजय केवल मेरी होगी मां।
पराजय केवल मेरी होगी, पराजय केवल मेरी होगी। पहले अपने मन के भ्रम को मिटा भक्त, फिर मां से प्रार्थना कर। अरे तू तो अपनी इस निराली प्रार्थना से मां को भी भ्रम की स्थिति में डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप? मैं विजय सिद्ध सेन हूं, मां का अखंड पुजारी। विजय सिद्ध सेन, ओह भाग्य है मेरे जो आपके दर्शन हो गए। परंतु तुम कौन हो? मैं विदुर हूं। विदुर? विदुर? महाज्ञानी विदुर, कौरवों के महामंत्री? किंतु आज ये महामंत्री पद ही मेरे लिए दुखों का कारण बन गया है स्वामी। कौरव और पांडव मेरे लिए दो नेत्रों के समान है, इनमें से मैं किसी का भी विनाश नहीं चाहता, किसी का भी विनाश मेरे लिए असहनीय है। मेरी तो समझ में नहीं आता स्वामी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मानव यदि हर बात को समझने और जानने लगे तो वो मानव क्यों कहलाए? फिर तो संसार उसे परम ब्रह्म कहेगा। भक्त, जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसे देवी मां पर छोड़ दो, केवल यही जानती है कि प्रणाम क्या होना चाहिए और परिणाम क्या होगा। परिणाम तो केवल विनाश ही है स्वामी, केवल विनाश, क्योंकि इस युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, छोटे छोटे बालक भी नहीं, क्योंकि इस युद्ध में अब छोटे छोटे बालक भी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हारा संकेत किस ओर है भक्त? अपने प्रपोत्र और आपके शिष्य बर्बरीक की ओर। बर्बरीक? हाँ स्वामी, वो पांडवों की ओर से रणभूमि में उतरने की तैयारी में लगा हुआ है। तब तो मुझे तुम्हारे से सहानुभूति और कौरवों के दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करना चाहिए। वो क्यों स्वामी? वो छोटा बालक नहीं, एक महान शक्ति है। उसके पास देवी मां कामाख्या की दी हुई वो सिद्धियां हैं जिनकी आगे कौरव सेना की वो दशा होगी जो आंधी के आने से सूखे पत्तों की होती है। उसके पास 3 प्रलयकारी बाण हैं, एक लक्ष्य छेद देता है, दूसरा उसे भेद देता है। लक्ष्य चाहे एक हो या अनेक, जब बर्बरीक पांडवों के लिए युद्ध के लिए जा रहा है तो युद्ध का परिणाम युद्ध शुरू होने से पहले ही जान लो। कौरव सेना का एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा। देखते ही देखते कौरव सेना मृतक शरीरों का ढेर बन जाएगी। बर्बरीक की शक्ति किसी के रोके रुक नहीं सकती। वो अजय है, अपराजित है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता।
कौन? प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव, रणभूमि से कोई नया समाचार लेकर आए हो अनुज? समाचारों के सिवा अब लहने को रही क्या गया है भ्राताश्री? जब युद्ध होने वाला होता है तो वातावरण में केवल समाचार ही गूंजते रहते हैं, परंतु ऐसे समाचार अधिकतर अशुभ और बुरे ही होते हैं। तुम्हारी बातों से एक विचित्र भय टपक रहा है, बहुत भयभीत लग रहे हो तुम। भयभीत लग नहीं रहा हूं भ्राताश्री, भयभीत हूं। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है अनुज? क्या युद्ध की तैयारियों में कोई बाधा आन पड़ी है? युद्ध में बाधा पड़ जाना तो एक अच्छा समाचार होता है भ्राताश्री, क्योंकि बाधा पड़ने से युद्ध टल भी जाता है। पर मेरे पास इतना अच्छा समाचार नहीं है। जो समाचार मेरे पास है भ्राताश्री, वो एक भयंकर संकट की ओर संकेत कर रहा है। संकट? कैसा संकट? तुम कहना क्या चाहते हो अनुज? खुलकर कहो क्या समाचार है। पांडवों की शक्ति में एक असीम वृद्धि हो गई है भ्राताश्री। वृद्धि हो गई है? क्या उन्हें किसी और से सैनिक सहायता मिल गई है, या हमारी सेना की कोई टुकड़ी उनसे जा मिली है? बताओ तो सही क्या है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है भ्राताश्री। तो फिर? मोरवी पुत्र बर्बरीक अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आ गया। तुमने तो मुझे भयभीत ही कर दिया था विदुर, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? पुत्र भीम का पौत्र तो अभी केवल एक छोटा सा बालक है, परंतु वो गुरु विजय सिद्ध सेन से जो सिद्धियां लाया है वो न केवल बहुत बड़ी हैं, बल्कि बहुत भयानक भी है भ्राताश्री। परंतु ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं विदुर जिन्होंने तुम्हें भयभीत बना दिया है? मेरा भय अकारण नहीं है भ्राताश्री। पर है तो वो एक व्यक्ति ही ना, कोई सेना तो नहीं है। बर्बरी किसी भी सेना से अधिक विशाल और शक्तिशाली है भ्राताश्री। उसके पास कामाक्षा देवी के प्रदान किए हुए ऐसे उचूक वाण हैं जिनका तो सामना ही नहीं किया जा सकता। हमारी सारी सेना, सारी शक्ति उन वाणों की आंधी में तिनकों की भांति उड़ जाएगी भ्राताश्री। बर्बरीक के रूप में हमारी सेना के सामने मौत अपना भयानक मुंह खोले खड़ी है। हां भ्राताश्री, हमारी सारी सेना तहस नहस हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तुम मुझे भयभीत ही करते रहोगे या इस विनाश का कोई उपाय भी बताओगे विदुर? एक ही उपाय है भ्राताश्री, एक ही उपाय है। क्या है? घोषणा कर दी जाए कि यह युद्ध नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो विदुर? कदाचित भय ने तुमसे तुम्हारी बुद्धि तो नहीं छीन ली? मैं ठीक कह रहा हूं भ्राताश्री। आपको बर्बरीक की शक्ति का अनुमान नहीं। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना तो एक बात है, और आत्महत्या कर लेना दूसरी। युद्ध करना इस समय आत्महत्या करने के समान होगा, और युद्ध न करने का निर्णय आपको आज ही और अभी करना होगा। इस बारे में मैं अभी इस समय कोई निर्णय नहीं ले सकता विदुर। क्यों नहीं ले सकते? क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए आप कोई निर्णय नहीं ले सकते भ्राताश्री? नहीं विदुर, अपनी नेत्रहीनता के कारण ना तो मैं किसी परिस्थिति को देख सकता हूं, ना ही जान सकता हूं, और ना ही परख सकता हूं। इसलिए निर्णय लेने के सारे अधिकार मैंने पुत्र दुर्योधन को दे दिए हैं। आपने निर्णय के अधिकार पुत्र दुर्योधन को दिए नहीं, उसने आपसे ले लिए हैं। आपको किसने यह अधिकार दिया था कि आप जनहित को भूलकर पुत्र मोह में यह अधिकार दुर्योधन को दे दें? अपने लिए न सही भ्राताश्री, तो आप हस्तिनापुर के हित के लिए
यह अधिकार उसे वापस ले लीजिए, नहीं तो न हस्तिनापुर रहेगा और न ही हम। दुर्योधन को समझाइए भ्राताश्री कि इस समय इस निर्णय के सिवा इस महाविनाश से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। वो ये कदापि नहीं मानेगा विदुर, कदापि नहीं मानेगा। उसे किसी भी तरह मनवाइए भ्राताश्री, मानने पर विवश कीजिए। उसे कहिए जब तक कि बर्बरी की ओर से खड़े हो जाने वाली ऐसी महाभयंकर समस्या का कोई समाधान ढूंढा नहीं जाता तब तक युद्ध को रोक दिया जाए। तुम अनुरोध करते हो तो मैं प्रयत्न करके देखता हूं, किंतु आशा मुझे तिल भर की भी नहीं है विदुर। जाओ तुम युवराज दुर्योधन से कहो कि हम उससे तत्काल मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। मझले भैया, यदि आपसे मैं ये पूछूं कि आप चिंतित क्यों हैं, तो वो तो ऐसा ही होगा ना जैसे रात से कोई ये पूछे कि उसके झोली में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं होता। बर्बरीक की शक्ति हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। मेरी चिंता का विषय ना बर्बरीक की शक्ति है, ना उसके वान और ना ही उसका सिद्धि मंत्र। तो फिर मेरी चिंता का विषय है रक्त का वो संबंध जिसने मुझे और बर्बरीक को संसारक नातों की एक अनदेखी डोर में बांध रखा है। मेरी चिंता का विषय यह है कि यह लज्जा मेरे भाग्य में क्यों आई। मेरा पौत्र, मेरा अंश, मेरा अपना ही रक्त मेरे परिवार के लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा। मझले भैया, यदि दादा और पौत्र का नाता ही मात्र आपकी चिंता का विषय है तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये चिंता अपने मन से मिटा दीजिए। कैसे मिटा दूं? क्या ये मेरे वश में है? मझले भैया, कुछ बातों का आपके वश में ना होना ही आपकी चिंता का उत्तर है। मझले भैया, आपने अपने पौत्र को चुना तो नहीं, उसे कहीं से मोल लाया नहीं, उसे तो स्वयं विधाता ने आपकी झोली में डाला है। मझले भैया, आप बर्बरीक के दादा हैं और वो आपका पौत्र। ये नाता आपने स्वयं चुना तो नहीं था, ये नाता तो आपकी विवशता है मझले भैया। इसलिए इस नाते से ना तो आपको लज्जित होने की आवश्यकता है और ना ही चिंतित। ये सब अपने को समझाने की बात है, पर बातें तो है ना मझले भैया जिनसे मन को समझाया जा सकता है। भूल से कोई उससे पूछे जिसके पास ऐसी कोई बात नहीं जिससे मन को समझाया जा सकता है। आपकी चिंता का तो समाधान है मझले भैया, परंतु मेरी चिंता तो प्राण लेवा है जिसका कोई समाधान नहीं, किसी के पास नहीं। तुम्हारी चिंता? हाँ मझले भैया, पर बरीक ने जो समस्या हमारे सामने खड़ी की है उसका समाधान केवल प्राण लेकर या प्राण देकर ही हो सकता है। यदि केवल मैं अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर सकता तो मैं बड़ी प्रसन्नता से
अपने प्राण देकर इस समस्या का समाधान कर लेता, परंतु केवल मेरे प्राण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है मजले भैया। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? केवल एक ही समाधान रह जाता है मजले भैया, केवल एक, प्राण लेने का समाधान। और यदि भाग्य ने यह अशुभ निर्णय ले ही लिया है तो मैं ये जानता हूं कि यह भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण भार भी मेरे ही कंधों पर आएगा। परिक मेरा भी तो पौत्र है, वो केवल आपका अंश नहीं, वो मेरा भी अंश है। क्या मैं अपने अंश को शेष शरीर से काटकर फेंक सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार के एक धड़े को बचाने के लिए अपने परिवार के दूसरे धड़े को मिटा सकता हूं? किसके पास है इन क्रूर प्रश्नों का उत्तर? किसके पास? ये भाग्य ने हम सबको किस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों उठ खड़े होते हैं हमारे जीवन में वो प्रश्न जिनकी आंख में आंख डालकर देखने से भी डर लगता है, डर लगता है। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे भांजे। महाश्री। अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि तुम अपने मानसिक कष्ट को शारीरिक अभ्यास द्वारा भुलाने का प्रयत्न कर रहे हो भांजे। अरे अरे मूर्ख, बर्बरीक एक बहुत महान संकट बनकर आया है, उसे यूं इस प्रकार हवा में गधा घुमा घुमा कर दूर नहीं किया जा सकता। महाश्री, मुझे किसी संकट की कोई चिंता नहीं। मैं बर्बरी के दादा भीमसेन से लोहा लेने की शक्ति रखता हूँ, तो फिर उस नवजात शिशु की शक्ति मेरी शक्ति के सामने क्या टिकेगी? मुझे अपनी भुजाओं पर, अपने भुजा बल पर विश्वास है महाश्री। केवल भुजा बल पर विश्वास मूर्खता का दूसरा नाम है। बर्बरी के पास अद्भुत सिद्धियां हैं, उनके आगे तुम्हारा भुजा बल किसी काम का नहीं। इस संकट का समाधान भुजा बल से नहीं भांजे, केवल बुद्धि बल से किया जा सकता है। मामाश्री, लगता है आपके षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में कोई नया षड्यंत्र जन्म ले रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा था कि बर्बरीक को केवल नीति से मारा जा सकता है। युद्ध भूमि में उसे मारना असंभव है भांजे। उसे तो केवल तभी मारा जा सकता है जब उसके पास ये सिद्धियां ना हो, जब वो अचेत हो और जब वो बिल्कुल निहत्था हो। मामाश्री, आपने सदैव मुझे छल और कपट का ही पाठ पढ़ाया है। आपके उकसाने पर मुझे कई ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिनके कारण मेरी अंतरात्मा आज तक मुझे कचोटती रहती है। मुझे आत्मग्लानी का ऐसा आभास होता है कि मैं पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता हूं। और लाक्षाग्रह की घटना याद करके मैं आज भी लज्जित हो जाता हूं मामाश्री। लज्जित होना पराजित होने से कहीं अच्छा है भांजे। लज्जा तो क्षण भर की भावना है, परंतु पराजय का दुख सारा जीवन साथ नहीं छोड़ता। तुम युद्ध करने जा रहे हो भांजे, युद्ध, और युद्ध में केवल विजय होती है या पराजय। और यदि तुम ये युद्ध जीतना चाहते हो तो बर्बरीक नामी संकट को अवसर पाते ही समाप्त कर डालो। नहीं मामाश्री, छिपकर वार करना मेरे स्वाभिमान का पान है। मैं एक वीर क्षत्रिय हूं मामाश्री, और मैं वीरता और क्षत्रिय धर्म की परंपरा को कदापि नहीं तोड़ सकता, कदापि नहीं तोड़ सकता। फिर वही मूर्खता की बातें भांजे। वीरता उतनी ही अच्छी होती है जितनी आवश्यक हो, अनावश्यक वीरता मूर्खता की तीसरी पहचान है। महाश्री, दुर्योधन कायर नहीं है, दुर्योधन एक वीर योद्धा है। विजय और पराजय योद्धा के भाग्य के दो सितारे होते हैं, और योद्धा को जो भी सितारा मिले
वीर ही कहलाता है मामाश्री। छल और कपट से जीतने से तो मर जाना अच्छा है। ये कभी मत भूलना भांजे कि इतिहास केवल ये याद रखता है कि विजय किसकी हुई और पराजय किसकी, वो ये कभी नहीं याद रखता कि विजय छल से हुई या पराजय इसलिए हुई कि हारने वाले ने अपने हाथ में परंपरा की पताका थामी हुई थी। भांजे, तुम्हें तो हस्तिनापुर का नरेश बनना है, हैं? तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना है। हमारे इस स्वप्न को तुम्हें अपनी परंपरा के पैरों तले या क्षत्रिय धर्म के पैरों तले रौंदने का कोई अधिकार नहीं भांजे। तुम्हें ये युद्ध जीतना है भांजे, और इस युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें बर्बरी को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते। हां भांजे, बर्बरी को जहां भी निहत्था और अचेत पाओ उसे वहीं समाप्त कर डालो भांजे, उसे वहीं समाप्त कर डालो। प्रणाम दादी श्री, हमें धनुर्विद्या का अभ्यास कराइए ना। अवश्य पुत्र, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे दादा श्री अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कही थी, जब उन्होंने तुम्हारे दादा श्री से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा तो तुम्हारे दादा श्री ने उत्तर दिया कि मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें भी ये सदैव स्मरण रखना होगा पुत्र कि जब भी अपना लक्ष्य साधो तुम्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। वो सामने पेड़ की शाखा तुम्हारा लक्ष्य है, जाओ जाके लक्ष्य साधो। विजयी भव। यशस्वी भव, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा पुत्र धनुर्विद्या में अपने दादा श्री अर्जुन की बराबरी करेगा, और जीवन का मूल तत्व भी यही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। हिडिंबा। प्रणाम महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। हमारे अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिए। पुत्र, महर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आओ पुत्र। महर्षि, पांडवों का क्या समाचार है? अधिक शुभ नहीं। कौरवों की ओर से आए दिन उनके विरुद्ध कोई नया छल सामने आता है। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही नेत्रहीन है, किंतु दुर्योधन को लोभ और ईर्ष्या ने अंधा बना दिया है। इस अंधेपन के कारण उसका हर पग विनाश की राह पर उठ रहा है। दुर्भाग्य तो यह है देवी कि दुर्योधन ये नहीं समझ पा रहा है कि लोभ और ईर्ष्या की यह अग्नि एक दिन स्वयं उसे भस्म कर देगी। तुम्हारा पौत्र बड़ा पराक्रमी है और परम वीर निकलेगा देवी। इसका जन्म ग्रहों की अति उत्तम दशा में हुआ है। मेरे पौत्र के भविष्य के बारे में कुछ बताइए महर्षि। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये बड़ा होकर शूर वीर बने। वो तो इसे बनना ही है देवी। इसके माथे की प्रतिभा ही बता रही है। इसकी किशोर अवस्था तुम सबके लिए अत्यंत सुखदाई होगी। और युवावस्था?
आप चुप क्यों होगे महर्षि? क्या बात है? क्या मेरे पौत्र की युवावस्था में कुछ संकट है? संकट के बिना जीवन निरर्थक है देवी। वो युवावस्था ही क्या जो संकट से जूझे बिना ही बीत जाए। पर इतना जान लो देवी कि कभी कभी भविष्य का ज्ञान भी उन्नति की राह का रोड़ा बन जाया करता है। मैं अपने पौत्र को अपनी राह का हर रोड़ा हटाने का ज्ञान दूंगी महर्षि। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा पौत्र युवावस्था में कोई ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जो इसके महान वंश के लिए अपयश और कलंक का कारण बने। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा देवी, ऐसा कदापि नहीं होगा देवी। बल्कि तुम्हारे पौत्र की युवावस्था में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी कि जिससे समस्त संसार उसकी पूजा करेगा। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है देवी? फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है महर्षि। यदि मेरा पौत्र पूजा का पात्र बनेगा तो अवश्य ही कोई महान और शुभ कार्य करेगा, अपने वंश का गौरव बढ़ाएगा। मैं अपने पौत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा स्वयं दूंगी। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि काले करता जान जिकर्म तू, फल की ओर न देख, फल की ओर न देख। पात्र, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया। अब इसके आगे जाना चाहते हो तो कोई गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए दादी श्री, मैं किसके पास जाऊं और किस गुरु को अपना बनाऊं? ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो कौन है दादी श्री, ये आप मुझे बताइए, मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारे दादाश्री भी हैं। वत्स, तुमने हमें याद किया, हम आ गए। सच है केशव, जब भी कोई आपका स्मरण करे आप दर्शन अवश्य देते हैं। हाँ भाभी श्री, यदि कोई हमें मन से स्मरण करता है तो हमें आना ही पड़ता है। कहो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? बस इसने तो एक ही रट लगा रखी है केशव, इसे तो आपको गुरु बनाना है। वत्स, इस देश में गुरुजनों की क्या कमी है, तुम हमें ही गुरु क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए कि दादी श्री कहती हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं, आपसे जिसे मार्गदर्शन मिलेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप मार्गदर्शकों के मार्गदर्शक हैं। आप मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपका पौत्र हूं और एक पौत्र होने के नाते क्या आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अवश्य है पौत्र, अवश्य है, किंतु कुल और परिवार अपने स्थान पर होते हैं और गुरु शिष्य का नाता अपने स्थान पर। यदि तुम्हें हमारा शिष्य बनने का अधिकार है
तो हमें भी ये देखने का अधिकार है कि तुम हमारे शिष्य बनने के योग्य हो भी या नहीं। आप मेरी योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं दादाश्री। ठीक है वत्स, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। यदि तुमने उनका ठीक ठीक उत्तर दिया तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो सबसे पहले ये बताओ वत्स कि गुरु और भगवान में कौन अधिक श्रेष्ठ होता है? गुरु। गुरु क्यों? वो इसलिए दादाश्री क्योंकि गुरु ही तो भगवान को पाने की राह दिखाता है। गुरु ना हो तो भगवान का ज्ञान कौन दे? गुरु ही तो बताता है भगवान कौन है, क्या है और कहां है। बहुत ठीक उत्तर दिया तुमने वत्स। अब ये बताओ कि संसार में सबसे तीव्र गति किसकी होती है? मन के विचारों की दादाश्री, जो क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। धन्य हो वत्स। अब अंतिम प्रश्न, वो कौन सी वस्तु है जो एक बार चली जाए तो कभी नहीं आती, और वो कौन सी वस्तु है जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती? युवावस्था दादाश्री, जो एक बार चली जाए तो फिर कभी नहीं आती, और वृद्धावस्था, जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। हम प्रसन्न हुए, तुम परीक्षा में सफल हुए वत्स। आपका ये पौत्र बहुत होनहार और बुद्धिमान है। अवश्य ही से ये बुद्धि मायावनी दादी मां यानी भाभी श्री हिडिंबा से मिली है। Thank you.
विजय सिद्धसेन। विजय सिद्धसेन, इन सिद्धियों के लिए तुमने जो कठिन तपस्या की है, ऐसी तपस्या आज तक किसी और ने नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं वत्स, तुम्हारी साधना स्वीकार हो गई। कठिन साधना से सदा पूरी होती साध, माँ का माख्या का मिले पावन आशीर्वाद, पावन आशीर्वाद। धन्य हो बालक, धन्य हो। भूख प्यास और घाव से चूर होने के पश्चात भी तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी गुरुदेव, अब तो आप मुझे अपना शिष्य बनाकर सिद्धि अवश्य देंगे। अवश्य बालक, किंतु उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें ताल में जाकर गले गले पानी में खड़े होकर 3 दिन और 3 रात सिद्धि मंत्र का जाप करना होगा। साधना संपूर्ण होने के पश्चात तुम्हारा शरीर अपने आप जल स्तर पर उठ जाएगा और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जो कहेंगे गुरुदेव मैं सब करूंगा, किंतु ध्यान रहे कि मंत्र का जाप इतना सरल नहीं। इस बीच जलचर, भूमिचर एवं निशाचर तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी मंत्र का जाप बंद मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव, आप मुझे मंत्र बताइए। ओम ए चामुंडाय विच्चे। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जाओ बालक, यशस्वी भव। तुम एक क्षण के लिए भी मंत्र का जाप बंद मत करना। मैं मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए रक्षा मंत्र का जाप करता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ बालक। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। दिव्य दिशा में बढ़ चला लेकर हरि का नाम, यही पूज बन जाएगा, बन कर खाटू श्याम। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे 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 चामुंडाय विचे ओम एं ग्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे
ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे चामुण्डाय विचे ओम ऐं ग्रीं क्लीं 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 चामुण्डाय विचे बालक प्रणाम माता। यशस्वी भवा, तुम्हारी साधना सफल हो गई। तुम्हारी साधना का फल ये तीन बाण हैं। ये बाण तुम्हें संसार में अजय बना देंगे। अब तुम्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कृपा कृष्ण की हो गई, पाया गुरु वरदान, बरबरीक अब बन गया, परम वीर बलवान, परम वीर बलवान। शिष्य बधाई हो, इन वाणों को पाकर तुम अजय हो जाओगे। मैं तुम्हें इनके गुण बताता हूं। पहले वाण पर यदि तुम सिंदूर लगाकर छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को एक स्थान पर एकत्रित करके उन पर चिन्ह बना देगा। दूसरा वाण छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को समाप्त कर देगा। और ये तीसरा वाण अतिरिक्त है, इसकी तुम्हें कदाचित आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिष्य, अब तुम में ऐसी शक्ति आ गई है कि तुम चाहो तो सृष्टि का नाश भी कर सकते हो। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आपकी गुरुदक्षिणा भी मुझ पर अनिवार्य हो गई है। गुरु दक्षिणा में तुम्हें मुझे दो वचन देने होंगे शिष्य। पहला वचन तो ये कि तुम इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध में ही करोगे, किसी निजी झगड़े में नहीं। और दूसरा वचन ये कि युद्ध में केवल तुम दुर्बल पक्ष का ही साथ दोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं इन वाणों का प्रयोग निजी झगड़ों में नहीं करूंगा और युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। तो जाओ शिष्य, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी जाओ युद्ध में दो दुर्बल का साथ, सदा रखेंगे बाण ये विजय तुम्हारे हाथ, विजय तुम्हारे
अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो, पांव धो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? देखने में तो इतने लंबे चौड़े लगते हो, पर इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये जल पांव धोने के लिए नहीं है। देखने में तो तुम भी ठीक ठाक ही लगते हो, कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जल तो पांव धोने के लिए ही होता है। जल स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूँ। अर्चना का जल से क्या संबंध वत्स? तुम तो उन कट्टरपंथियों की भांति बात करते हो जो पूजा नहीं करते, पूजा का अडंबर रचाते हैं। पूजा और अर्चना के लिए जल पुष्प और द्वीप नहीं, हृदय की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे पूजा अर्चना की रीत न सिखाओ, मैं कहता हूँ चुपचाप उठो यहाँ से और इस जल को गंदा मत करो। जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है वत्स, इसे कौन गंदा कर सकता है? गंगा पापियों के पाप धोती है, पापियों के स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से। लगता है तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। अब भी समय है, बड़ों का आदर करना सीखो। कहो तो मैं सिखा दूं। मुझे जो कुछ सीखना था मैं सीख चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं सीखना, और वो भी तुम जैसे मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति से। एक पग भी आगे बढ़ाए तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मूर्ख, यदि मेरी टांग से उलझाना तो भूल जाएगा तेरा जन्म कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं। तो तू यूं नहीं मानेगा। जाने कौन है ये युवक जिसने मुझे थका के रख दिया है। हो ना हो, इसके पास अवश्य कोई दैवी शक्ति है जिसने मेरे सांस की परीक्षा लेने की ठान रखी है।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बीच में से हट जाए महर्षि, मैं इस दुष्ट हट धर्मी को बताकर ही रहूंगा कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भी इसे अपने अर्चना के जल के अपवित्र करने का दंड देकर रहूंगा। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, पर इतना याद रखना कि जो रक्त तुम्हारे शरीर से बहेगा और जो रक्त तुम्हारे घाव से फूटेगा उसमें एक ही कुल की मर्यादा और एक ही वंश की परंपरा का रंग झलक रहा होगा जो बूंद बूंद करके मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हम ठीक कह रहे हैं। तुम जिससे टकरा रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है भीमसेन? भीमसेन दादाश्री? हाँ बरबरी। ये तुम्हारे दादाश्री वीर पांडुपुत्र महावीर भीमसेन हैं, और ये तुम्हारा पौत घटोत्कच पुत्र वीर बरबरीक है। बरबरीक मेरा पौत्र? मुझे क्षमा कर दो पौत्र, मैं तुम्हें पहचान ना सका। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादाश्री। धिक्कार है इस जीवन पर, मैंने अपने पूज्य दादाश्री का अनादर किया, आवेश में आकर इन्हें न जाने क्या क्या कह डाला। दादाश्री मैंने ऐसा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जो पाप भूल से हो जाए पौत्र, उसका पश्चाताप ही प्रायश्चित है। नहीं दादाश्री, यह भूल उस शक्ति का घमंड है जो मुझे वरदान में मिली है। दादाश्री मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहता। दादाश्री रुक जा पौत्र, बरबरीक रुक जा पौत्र। जाने दो से भीमसेन। गुरुदेव क्या हुआ वत्स? ये वरदान ये शक्ति अपनी वापस ले लीजिए। क्यों गुरुदेव? आज इन शक्तियों के कारण मेरे हाथों से घोर अन्याय एक महापाप होते होते बचा। गुरुदेव उन शक्तियों से क्या लाभ जो मेरे वरिष्ठ मेरे संबंधियों की शत्रु बन जाए और उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो। शक्ति प्राप्त कर लेना बहुत सरल है शिष्य, किंतु ये ज्ञान प्राप्त करना कि शक्ति का प्रयोग कब कहां और किस पर किया जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है शिष्य। शक्ति गंगा के समान है जिसे संभालने के लिए शिव की जटाओं की आवश्यकता होती है। यही तो समस्या है गुरुदेव, मुझ में यह ज्ञान नहीं, मुझ में वो सहनशीलता नहीं, मुझ में इस शक्ति का घमंड आ गया है। गुरुदेव आप अपना यह वरदान वापस ले लीजिए, मैं इस शक्ति के योग्य नहीं। वरदान देकर वापस नहीं लिया जा सकता, वरदान तो उसे ही मिलता है शिष्य जो वरदान के योग्य होता है। यह भी अच्छा हुआ कि तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो गया। शक्ति सदा दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होती है, इसका दुरुपयोग ग्लानी और पश्चाताप का कारण बन जाता है। अपने वरदान का सदुपयोग सीखो, यदि सीख गए तो संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। हां मैं तुम्हें अनुशासन की शिक्षा देना तो भूल ही गया था, शक्ति के साथ अनुशासन का ज्ञान उतना ही आवश्यक है। हमें विश्वास है शिष्य
जो घटना आज तुम्हारे साथ घटी है वो जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। शक्ति से दूर मत भागो शिष्य, शक्ति को अपने वश में करो, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। प्रणाम दादाश्री। हमने तुम्हारा ध्यान तो नहीं तोड़ दिया वत्स? ध्यान तो अवश्य तोड़ दिया दादाश्री, यदि ना तोड़ा होता तो मुझे बहुत दुख होता। क्यों वत्स? यशस्वी भव। ध्यान ना टूटता तो आपके दर्शन कैसे होते? जिसकी सुगंध से मन मोहित हो जाता है वही फूल सामने आ जाए और आके बंद रहे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री, आपने क्यों आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। अवश्य बुला लेता वत्स, किंतु विधि का नियम है कि प्यास लगी हो तो प्यासे को ताल के पास जाना पड़ता है, ताल प्यासे के पास कभी नहीं आता। इसका यह अर्थ हुआ दादाश्री कि आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? हां बरबरीक। मेरे हो भाग्य, मैं धन्य हो गया दादाश्री, आप आगे कीजिए। बरबरीक, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो तीन वाण प्राप्त किए उनकी महिमा तो बताई, किंतु वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं अभी लाता हूं। चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण, लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। सामने कोई ऐसी वस्तु नहीं है दादाश्री जिस पर इन वाणों का प्रयोग करके आपको इनका चमत्कार दिखा सको। वत्स, यूं समझ लो कि ये वृक्ष जिसके नीचे तुम ध्यान मग्न थे, ये वृक्ष नहीं शत्रु की सेना है, और इसका हर पत्ता एक सैनिक है, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री। Thank you.
क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहां कैसे आ गया? कोई बात नहीं वत्स, इसे मैंने ही यहां रखा था, ये देखने के लिए कि इन वाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन वाणों का लक्ष्य अचूक है वत्स। किंतु एक विनती है दादाश्री। कहो वत्स। दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वाण ना लगने पाए, क्योंकि मेरे वाण ने आपके पांव पे मुंह बना दिया है। अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री, कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। अच्छा, तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है और कौरव सेना बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो? मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। तुमने वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? कुछ भी नहीं सोचा? जो वचन सोच के दिया जाता है दादाश्री, वो वचन नहीं व्यापार होता है। और जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वत्स, वो भी वचन नहीं होता, एक अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। परंतु दादाश्री, मेरे वचन में तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे वचन में ऐसी ही बात है वत्स। मैं कुछ समझा नहीं। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे, और ये क्रम चलता ही रहेगा, यहां तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडु वंश बीते समय की कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का पुरस्कार? दादाश्री, मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए आजीवन श्राप बन जाएगा। श्राप? कि तुम युद्ध में भाग न लो। ये असंभव है दादाश्री। असंभव क्यों है वत्स? दादाश्री, ये मेरे वंश के सम्मान का प्रश्न है। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो सत्यवादिता की प्रथा इस युग से उठ जाएगी। दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। मेरे दादाश्री भीमसेन जैसे महावीर कुरुसेना के सामने हैं, अश्व ज्ञान में प्रवीण दादाश्री नकुल और रणनीति में निपुण दादाश्री सहदेव भी हैं, जो इस युद्ध में अपने प्राण हथेली पर लेकर निकले हैं। दादाश्री, मेरे होते हुए यदि इनमें से किसी को एक खरोच भी आ गई
तो अधिकार है मेरे जीवन पर। नहीं दादाश्री, नहीं, मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। आप कोई और उपाय सोचिए। फिर तो केवल एक ही उपाय रह जाता है वत्स। आप बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। कहिए तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूं, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बरबरिक, नहीं, वचन नहीं देना पोत्र, वचन नहीं देना। वो तो मैं दे भी चुका हूं दादाश्री। तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते हो पोत्र। दादाश्री, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ वाण, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूं। कहिए आपके चरणों में क्या अर्पित करूं। धन्य हो पौत्र, धन्य हो। आज मुझे अपने रक्त के वैभव पर गर्व हो रहा है। मैं जानता था कि मेरा पौत्र अपनी दादी हिडिंबा की परंपरा को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। पौत्र, तुम केवल भाभी श्री हिडिंबा की परंपरा के ही नहीं, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञाबद्धता के असली उत्तराधिकारी हो। मुझे गर्व है पौत्र कि मैं उस कुल का सदस्य हूं जिसमें तुम जैसे पराक्रमी और परंपरा को निभाने वाले ने जन्म लिया है। दादाश्री, हमें नहीं केशव, नहीं, नहीं। कहिए दादाश्री, आप कुछ कहने जा रहे थे, आप चुप क्यों हो गए? वत्स, हमें तुम्हारा सिर चाहिए। मौन क्यों धारण कर लिया वत्स? क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? आपको गुरु दक्षिणा देना तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, किंतु किंतु क्या वत्स? क्या हमने कुछ अधिक मांग लिया? नहीं दादाश्री, आपने तो बहुत कम मांगा है। सत्य तो यह है कि आप जैसे गुरु को इससे कम गुरु दक्षिणा देना भी गुरु दक्षिणा का तिरस्कार होगा। तो फिर दादाश्री, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध होने वाला है, संसार में इससे ना पहले इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु अब लगता है कि मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में रह जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति हमारे लिए धर्म के समान है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। किंतु कैसे? तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कर्ण हर ध्वनि को सुन सकेंगे, और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। तो फिर देर किस बात की दादाश्री? मेरा सर झुका हुआ है,
अलग कर दीजिए शरीर से इसका नाता। वत्स, गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य उसे अपने हाथों से गुरु को भेंट करता है। अभी लीजिए। ठहरो पौत्र। लो पौत्र। अपने धर्म का पालन करो। वीर बर्बरीक नहीं, महात्मा बर्बरीक कहलाओगे। तुमने अपना सिर देकर अपने वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया। मछले भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए। शीश नवा कर कृष्ण को दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास में ये महान बलिदान। इस अपूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम, बर्बरीक है अब अमर, नाम हो गया शान। मेरा वीर बर्बरीक, ये क्या हो गया पुत्र? हत्यारे, अन्यायी कृष्ण, मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका वध कर दिया? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं पुत्र, रुक जाइए, आप लोग ठहर जाइए। ये पुत्र के वध पर एक माता के क्रोध की आंधी है, इसे कवच और ढाल पर नहीं रोका जा सकता। कुलवधु मौर्य, हमने तुम्हारे पुत्र का वध नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा?
किसने मेरे लाल का सिर उसके धड़ से अलग किया? हमने तुम्हारे पुत्र से शीश दान मांगा था, उसने सहर्ष अपना सिर हमें दे दिया। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने पुत्र से ही पूछ लो। ये सत्य है माता श्री, मैंने अपने हाथों से अपना सर काटकर दादाश्री को भेंट किया था। इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी, मैं जानती हूँ। ये बहुत बड़ा छलिया है, इससे अपने छल से ही तेरी हत्या की होगी पुत्र। परंतु मैं मरा कब हूँ माता श्री? मैं तो जीवित हूँ, भला मर जाने वाले भी कहीं बात किया करते हैं। हाँ, अगर दादाश्री चाहते तो गुरु दक्षिणा में मेरे प्राण भी मांग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु ये सब क्या है? तेरा सर तेरे धड़ से अलग क्यों है? ये तो मैंने गुरु दक्षिणा दी है माता श्री, और आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो श्री कृष्ण जैसे गुरु को गुरु दक्षिणा देने योग्य था। परंतु ऐसे निष्ठुर और कठोर गुरु दक्षिणा लेने की कृष्ण को आवश्यकता ही क्या थी? माता श्री, दादा श्री वासुदेव ने तो आप सबके मांग के सिंदूर की रक्षा की है। कुलवधू मोरवी, तुम महान हो कि तुमने अपनी कोख से ऐसे महावीर पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारे पुत्र का त्याग अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संग्राम में बलिदान और महावीरता का ऐसा उदाहरण बनकर जीवित रहेगा जो कभी दोहराया ना जा सकेगा। आने वाला युग तुम्हारे पुत्र महात्मा बर्बरिक की पूजा करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महापुरुषों। आवेश में आकर न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मोरवी, हम सब तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के आभारी हैं कि उसने ये युद्ध न करके अपने वंश राज्य धर्म नीति और सत्य की रक्षा की है। क्षमा तो हम स्वयं और ये सब तुमसे मांगते हैं कि हमें ऐसा कार्य करने और इन सबको हमें ऐसा कार्य करने की अनुमति देने पर विवश होना पड़ा। प्रणाम दादीश्री। बर्बरिक, मेरा पुत्र, केशव ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो दयालु हो, दाता हो, तुमने मेरे पुत्र का जीवन ले लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? यदि ऐसा करना ही था तो मौरवी और घटोत्कच का विवाह ही क्यों करवाया था? बर्बरिक को इस संसार में भेजा ही क्यों था? भेजा ही क्यों था? मनस्वी भाव, तपस्वी भाव। प्रणाम महर्षि। यशस्वी भाव। अखंड सुभागवती भाव। तुम्हें याद है कुलवधू हिडिंबा, तुमने एक बार बर्बरिक की युवावस्था के विषय में हमसे जानना चाहा था और हम चुप हो गए थे। हाँ, मुझे याद है। हम इसी कारण चुप हो गए थे, हम जानते थे इसके भाग में केशव के द्वारा बलिदान हो जाना लिखा था। भाग के इस निर्णय को स्वयं श्री कृष्ण नहीं बदल सकते थे,
और तुम्हें यह भी याद होगा, हमने कहा था इसकी युवावस्था में कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी जिसके कारण समस्त संसार इसे पूजेगा। देखो कृष्ण ने यही वरदान इसे दिया है। अब तुम्हारा पौत्र पूजनीय हो चुका है देवी, तुम धन्य हो देवी। अमर सदा को हो गया बर्बरीक का त्याग, ध्वंस वंश का रुक गया धन्य वंश का भाग, धन्य वंश का भाग।